नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी साथियों को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी MR के एग्जाम पैटर्न के बारे में, प्लस फुल सिलेबस टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है। तो साथ ही मैं आपको ये अनाउंसमेंट कर दूँ, कल से 1 जनवरी 2020 से आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर इंडियन नेवी MR की क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की जा रही है। तो जो भाई बंधु इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, 100% सिलेक्शन चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। तो इसमें के लिए आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्लस आपको 1000+ एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो कि आने की संभावना रहती है वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो आपके लिए डेली अपलोड की जाएगी, और साथ में आपको ये बता दूँ जो भी आपका पढ़ाया जाएगा उसकी PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए। वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो बात करते हैं इंडियन नेवी MR एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सभी को बताया ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इसकी लैंग्वेज दोनों होती है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 रहने वाले हैं, ड्यूरेशन आपका 30 मिनट रहने वाला है। इसमें आपके सब्जेक्ट है दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला पार्ट है जिसमें आपके साइंस एंड मैथमेटिक्स आएंगे, उनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सेकंड पार्ट में आपको GK के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको जियोग्राफी, कल्चर एंड आर्ट्स और हिस्ट्री, इन तीनों को तो पढ़ना है, वो भी इंडिया की तीनों, इन तीनों चीज़ों को, इंडिया की जियोग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर्स एंड हिस्ट्री, इन तीनों को पढ़ना है। साथ में यहाँ पर आप ये टॉपिक स्क्रीनशॉट के जरिए आप देख सकते हैं। मैं आपको एक एक टॉपिक बारे में बताऊँगा, वीडियो लंबा खींच जाएगा, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आराम से देख लें। उसके बाद यहाँ पर बात करें डिफेंस, ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिफेंस की वैकेंसी पर यहाँ से क्वेश्चन ना मिलने वाले हैं। वॉर्स एंड नेबर्स, यानी आपके जो इंडिया कंट्री का अपने पड़ोसी देश के साथ जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनसे आपको एक अदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑवर्स एंड ऑनर, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके साथ आपको ये यहाँ पर कैपिटल एंड करेंसी हो गया, कॉमन नेम्स हो गया, फुल फॉर्म, इन सभी के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ आगे तो नेशनल बर्ड्स, नेशनल एनिमल्स, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम सॉन्ग, फ्लैग्स, मोमेंट, इन सभी को आपको प्रिपरेशन करना है। उसके बाद स्पोर्ट्स में आपके चैंपियनशिप, हाल ही में जो भी आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए उनके संदर्भ में आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा, कौन विनर रहा है, क्या टर्म्स रही है, नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या रहे हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स की। तो इसमें आपको नेचर ऑफ मैटर्स, यूनिवर्स, ये सब आपको थोड़ा वर्ल्ड का भी देखना पड़ेगा, यानी कि आपका सैटेलाइट हुआ, सन हुआ, ये सब। उसके बाद फिजिक्स में बात करें तो फोर्स एंड ग्रेविटेशन हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, वर्क्स, एनर्जी एंड पावर। आप टेंशन ना ले, एक एक टॉपिक को आपको समझाया जाएगा फुल डिटेल में, हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले केमिस्ट्री के बारे में, हीट आ गया, टेम्परेचर आ गया, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट्स इन साइंस, साउंड, वे, मोशन, ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर, ये आपके केमिस्ट्री के हैं। ये आपका एग्जाम 10th स्टैंडर्ड पे है, तो आपका ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बेसिक बेसिक आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी तैयारी आपको हमारे द्वारा करवाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में चले तो आपका सिंप्लीकेशन हो गया टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गए, पॉलिनोमियल्स, सिमिलेशंस इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स में और टॉपिक क्या आने वाले हैं, सिंपल्स, मेजर मेंशुरेशन, ठीक है, और जियोमेट्री, मेंशुरेस ऑफ सेंटर टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन, मोड एंड ये सब कुछ। उसके बाद इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये था आपका सिलेबस, एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको पता चल जाए, जब भी आप सामने लेके बैठे तो आपको पता चले हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन पहले आपके लिए ये मेरे साल की लास्ट वीडियो है, तो यहाँ पर मैं कुछ एम रखता हूँ, इस वीडियो से 50+ सब्सक्राइबर आपको ये एम कंप्लीट कराना है, मेरा इस साल का लास्ट वीडियो है, तो ये एम आप कंप्लीट जरूर कर लीजिए, 50+ इस वीडियो से सब्सक्राइबर होने चाहिए।
तो इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो एंड करता हूँ। एक बार फिर से नए साल के आप सभी को शुभकामनाएं।